आसिम रियाज अपने फैंस के लिए लाइव आए। कुछ ही मिनटों के इस लाइव में उन्होंने अनाउंस किया कि अब जो है वो बहुत जल्दी अपना रैप लेकर आ रहे हैं। लेकिन इसके बाद आसिम रियाज ट्रेंड होने लग गए, यहाँ तक कि आसिम को लेकर सोशल मीडिया पर बवाल मच गया। अब तो खबर ये भी आ रही है कि आसिम रियाज को दिशा पटानी के साथ एक एड मिला है और दोनों बहुत जल्द एक साथ काम करते हुए नजर आएंगे। इस एक साल में आसिम रियाज की जिंदगी कितनी बदल गई। मुंबई में फ्लैट ले लिया, कई म्यूजिक वीडियो किए, सलमान खान के साथ काम करते हुए नजर आने वाले हैं। वहीं उन्होंने BMW का लिमिटेड एडिशन भी लिया। तो बिग बॉस 13 के बाद अगर वाकई में अपनी पॉपुलैरिटी को किसी ने कैश किया है तो वो है आसिम रियाज। लेकिन ये आसान नहीं होता है। बाहर आने के बाद आपको लगातार बहुत सारे प्रोजेक्ट ऑफर होते हैं, लेकिन आपको ये सिलेक्ट करना है कि आपको क्या चाहिए क्या नहीं, आपको अपने आप को किस तरीके का ब्रांड बनाना है। और आसिम रियाज, आप सोचिए, एक यंगस्टर जब वो बिग बॉस के घर के अंदर गया, उसको कोई नहीं जानता था, बाहर आया और अपने आप को इस तरीके से प्रेजेंट करना, करियर प्लान करना बहुत ही मुश्किल है। लेकिन उन्होंने हर मूव को बहुत सोच समझ कर चला है। कोई भागम भाग नहीं की, किसी दौड़ में शामिल नहीं हुए, वो किया जो उन्हें पसंद है। DJ स्नेक के साथ उनका जो है वीडियो आने वाला है। और अब आसिम फैंस जो है लगातार इस बात को ट्रेंड कर रहे हैं कि आसिम सिर्फ 10 मिनट के लिए लाइव चैट के लिए आए। 5 हैशटैग ट्रेंड हो रहे थे ट्विटर पे, 153 प्लस आर्टिकल, वीडियो ट्विटर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और सोशल मीडिया पर हर जगह आसिम को लेकर कवरेज थी। सो बेटर इज अवॉइड एवरीथिंग, फोकस ओनली ऑन प्रोजेक्ट, कीप सेविंग ड्राफ्ट। तो उनका ये कहना है कि देखिए, आसिम सिर्फ 10 मिनट के लिए आए, लेकिन जिस तरीके की सफलता उन्होंने बिग बॉस के बाद रनर अप बनने के बाद भी हासिल की है, वो वाकई में बहुत सराहनीय है। तो आसिम रियाज के फैंस एक बार फिर से खुश हो रहे हैं कि कल आसिम ने लाइव आकर जिस तरीके से उनके साथ इंटरेक्शन किया, बातचीत की, उसके बाद जो है आसिम लगातार सोशल मीडिया पर ट्रेंड हुए।